हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। आज के इस क्लास में कंप्यूटर के हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एंटीवायरस से 50 प्रश्न करेंगे 30 मिनट। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही का एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस नंबर पर। आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका पीडीएफ हमें चाहिए सर। ठीक, तो आज ये जितने भी अभी सब देख पा रहे होंगे, जितने भी एंटीवायरस के क्वेश्चन हैं जो आपके व्यापा में, पीएससी में, आरआई में, पटवारी में, पुलिस में, सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरा, ये देखिएगा। ठीक, ये आपके व्यापा में जितने भी एग्जाम में हुआ है एंटीवायरस के क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछे जाएगा, और इस टॉपिक एक बार अध्ययन करके जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा, प्रैक्टिस सेट करके जाइएगा। अगर रिवीजन कर सकते हैं तो कीजिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखेंगे। और पहली बार आए तो चैनल को क्या करोगे, एक बार सब्सक्राइब कर लेना। क्या करोगे इसको, सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो लेकर आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाए। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हम आप सभी के लिए इतने मेहनत से लेकर ये वीडियो को लेकर आ रहे हैं, परफॉर्मेंस है, और आप सभी लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए। ठीक, मतलब इस वीडियो में अधिक से अधिक लाइक आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, कंप्यूटर के एंटीवायरस। आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा एग्जाम पूछा गया प्रश्न, पूरा है ना, पूरा का पूरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। व्यापम है, पीएससी है, पटवारी है, फूड इंस्पेक्टर है, आरआई है, सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पूरा देखिए टॉपिक, ये पूरा का पूरा टॉपिक एग्जाम में पूछा गया, पूरा कवर करेगा आपको व्यापम में एंटीवायरस है। इसके बाद पूरा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले, एंटीवायरस एग्जाम में पूछे जाने से पहले, आप फंक्शन की मैं आपको बताऊं, जो आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में कंप्यूटर में फंक्शन से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे F5 या F4 या F2 क्या है, या F7 क्या है, या F11 क्या है, या F8 क्या है। एग्जाम में बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको मैं अभी आपको नोट करवाऊंगा। तो पहले एंटीवायरस क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है पूरा व्यापम में, है ना। इसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मिनट भी लग सकता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देख के जाइएगा, कंप्यूटर एंटीवायरस क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार्ट करें फिर। चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर एंटीवायरस क्वेश्चन देखने से पहले, व्यापम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसको देने देखने से पहले एक बार होता क्या है एंटीवायरस, तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर वायरस। देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर है एंटीवायरस आपके व्यापम में, एंटीवायरस से पूछे गए हैं व्यापम में, एसएससी में, पीएससी, रेलवे, पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं आपका। अगर ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, अगर मैं गारंटी लेता हूँ, अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते, 3 से 4 नंबर अगर पूछा जाए एंटीवायरस से, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इतना पढ़ना है। ठीक, तो कंप्यूटर वायरस होता क्या है, तो कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर विषाणु, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता को अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, और उपयोगकर्ता इसका पता भी नहीं चलता। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रभावित करता है। अब देखिए कल के क्लासेस में हम करेंगे सॉफ्टवेयर, और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रिंटर के क्लास मैंने आपको करा दिया है, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाइएगा, कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक है मेरे पिछले वीडियो में वो को अच्छे से कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम निकल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं एंटीवायरस है नॉर्थन। नॉर्थन आपके विद्युत विभाग 2019 में पूछा गया है, नॉर्थन क्या एक एंटीवायरस है, मैकफी क्या एक एंटीवायरस है। एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है यहाँ पर देखेंगे, इसमें इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, अगर आप एंटीवायरस अगर याद कर लेते हैं, जितना मैं टॉपिक आपको बताऊंगा अभी उसको अगर आप याद कर लेते हैं, तो वहां से अगर एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो नॉर्थन है, मैकफी, क्विकिल, एवस्त, एवरिया, डेनपी, वाइपर। अगर ये सारे के सारे टॉपिक अगर आपको याद है, अगर इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इन सभी में ऐसा कौन सा है जो एंटीवायरस नहीं है, एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो अगर आपको याद है तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं, एक नंबर आप एक अंक हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और वीडियो को लाइक अवश्य करना। ठीक, मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है तो वही कहूंगा। ठीक, चलिए नॉर्थन, मैकफी,
विकील एवास्त एवरिया एवरिया को क्या बोल सकते हैं, एवीरा भी बोल सकते हैं। यह उनकी दिल्ली पुलिस 2021 में पूछा गया है। एनपी यानी कि नेट प्रोटोकॉल, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, ठीक। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। और RI 2017 में पूछा गया है ई पॉड कास्पर स्काई एवस्त ट्रेंड माइक्रो। ये आपके शिक्षक भर्ती 2019 में पूछा गया है। अगर आप कोई भी काम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ थोड़ा देखेंगे, पूरा एग्जाम में पूछा गया है ट्रेंड माइक्रो क्या है, एक एंटीवायरस है। एवस्त क्या है, एक एंटीवायरस है। कास्पर स्काई क्या है, एंटीवायरस। इसका PDF आपको मिल जाएगा, कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन नीचे, कमेंट में कीजिएगा कि सर हम इसका वीडियो का PDF चाहिए, हम आपको दे देंगे, ठीक। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। अब देखेंगे टेंड माइक्रो एग्जाम में बार बार पूछता है कि टेंड माइक्रो होता क्या है, तो ये आपका एंटीवायरस है, ठीक। द राइपर ये पहला आधिकारिक एंटीवायरस, इसको याद रखना, पहला आधिकारिक एंटीवायरस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो द रिपर कमांडो आपकी 2018 में, जॉन आलर्म आपके 18 में, वी रोबोट पांडा, ये सभी एंटीवायरस है, और बुलगेट ये आपके एंटीवायरस है। बस इतने टॉपिक आपको पढ़ना है एंटीवायरस में, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, है ना। और देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे फंक्शन की, तो फंक्शन की क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन की एग्जाम में बार बार पूछता है। तो फंक्शन की होता क्या है, यानी कि F1, इसको नोट करते चलेंगे, F1 क्या है। तो F1 मतलब जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो समय उस समय बटन को दबाने पर जो सिस्टम लगता है खुल जाता है, ओपन, इसको क्या करते हैं, ओपन। याद रखना F1 क्या है, आपके लिए ओपन का काम करता है, खोलने का काम करता है, ठीक, प्रोसेस करता है, बूट करता है। जबकि ये जो रीनेम का काम करता है, फोल्डर का काम करता है, रीनेम। F2 क्या करता है, रीनेम, इसको याद रखना रीनेम को। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि F1 फंक्शन कौन सा उपयोग किया जा रहा है या फिर F2। तो F2 को ध्यान से समझिएगा, नोट करते चाहेंगे कॉपी में, कि ये की जो है आप किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, रिप्लोट कर सकते हो, है ना। इस खास बात यह है कि अगर बहुत सारी फाइल एक जैसा नाम करना है तो आपको सिलेक्ट कर F2 को क्लिक कर दोगे, यानी कि F2 अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप बहुत सारे फंक्शन में एक ही जैसे नाम दिख रहा है तो उसको चेंज करना है, तो F2 दबा सकते हैं। F3 क्या काम होता है, तो F3 क्या करता है कि ये फाइल फोल्डर को खोलता है, फोल्डर का काम करता है, फोल्डर बनाता है, फोल्डर, इसको याद रखना फोल्डर का काम करता है, ठीक। F4 क्या करता है, कंप्यूटर से संबंधित है F4, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में जो इस प्रेस को अगर पिछले को अगर रिपीट करते हैं तो सब टाइप क्या हो जाता है, इसमें बोल्ड, वह मतलब बोल्ड हो जाता है F4। जबकि F5 क्या है, F5 बहुत सारे काम आते हैं, एग्जाम में पूछता है F5 को किस प्रकार कर सकते हैं, तो स्लाइड्स को, स्लाइड, तो स्लाइड शो का काम आता है, रिफ्रेश का काम आता है। ये रिफ्रेश अब किस में काम आएगा, MS वर्ड, ठीक है। अगर शॉर्टकट की कौन सा है अगर पूछेगा तो रिफ्रेश करने के लिए F5, स्लाइड शो भी कर सकते हैं, है ना। ये क्लियर समझ में आया, पावर पॉइंट में स्लाइड शो का काम करता है पावर पॉइंट में, जबकि F5 में जो MS वर्ल्ड में आपको क्या काम करेगा, रिफ्रेश करने का। F6 क्या काम आता है, प्रेस ओपन को जो फोल्डर रहता है ना कंटेंट दिखाने के लिए, कंटेंट। F7 क्या है, स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग, ठीक, इसको याद रखना, स्पेलिंग चेक, त्रुटिपूर्ण रहित कार्य F7। और हर एक एग्जाम में क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है इसको नोट करते चलेंगे, बार बार पूछा गया है, इसको नोट करेंगे। F7 को, F5 को, F4 को, F2, F1, ठीक। F11 को नोट कर लीजिएगा, F8 को नोट कर लीजिएगा, और F12 को नोट कर लीजिएगा, है ना। इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, ये होता है F12 में, आपको बताना चाहूंगा। सेव अस, सेव अस का मतलब होता है डायलॉग्स बॉक्स, तो डायलॉग्स बॉक्स में इसको कंप्लीट किया जाता है। जबकि F11, F11 का क्या करता है, जो कार्य करता है इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, जाक लानी ना, हाँ F11। तो F11 क्या करता है, आपका ब्राउजर को, स्क्रीन को फुल स्क्रीन करता है, फुल स्क्रीन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ठीक, जूम इन, जूम आउट,
ठीक, इसको याद रखना, क्लियर आपको आ रहा है कि नहीं है कर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो जूमिन इन जूम आउट का कार्य करता है, ठीक। F10 का, तो F10 क्या करता है, F10 किसी सॉफ्टवेयर में काम करते समय इस की को क्या करते हैं, फंक्शन दबाते हैं। एक मिनट में थोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक बार क्लियर आ जाए समझ में। तो जो F11 है, F11 को बता देते फुल स्क्रीन वाला, F10 है प्रेस करने का, शिफ्ट प्लस के साथ प्रेस करोगे तो माउस पर राइट क्लिक काम करता है, ठीक है। जैसे शिफ्ट के साथ F+, शिफ्ट प्लस F10 अगर आप क्लिक करते हो तो ये माउस जो है, माउस को क्या काम करता है, क्लिक राइट क्लिक का काम करता है, ठीक। F9 का नहीं बताया था क्या, तो F9 है आपका लैपटॉप में स्क्रीन ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है। F9 क्या करता है, ब्राइटनेस जो रहता है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मेरा अभी जो पिक्चर है आपको दिख रहा है, अगर आप HD करते हैं, मेगापिक्सल करते हैं, जैसे कि क्वालिटी आप बढ़ाते हैं, जैसे कि 720 मेगापिक्सल या 240 मेगापिक्सल, है ना, इस प्रकार अगर जितना अगर आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक। मेरा चेहरा आपको फेस फेस एकदम जूम आउट जूम आउट कर सकते हो, ठीक। अगर आप 240 मेगापिक्सल में करोगे तो आपको क्लियर नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो यह रहा आपका पूरा फंक्शन F8 का। जैसे अगर आप MS Word में सिलेक्ट करने के लिए इसकी को उपयोग करते हैं, MS Word क्या करोगे, एमएस वर्ड में सिलेक्ट करने के लिए, एमएस वर्ड में सिलेक्ट करने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए वायरस का क्या क्या नाम है, तो कब मिला और क्या है, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे इंडोनेशिया में 2000 में, क्रीपर 1971, इक्ले क्लोनर आपको 1982, ब्रेंसी ब्रेंस सन 1986, ठीक। यह अपराध क्रीपर जो है, क्रीपर प्रथम कंप्यूटर वायरस है। तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, याद रखना क्रीपर। सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा वायरस है जो प्रथम कंप्यूटर वायरस है, याद रखना प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर। और भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी, इसको थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, मैं रेड कलर में आपको टिक लगा दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये प्रथम कंप्यूटर वायरस है क्रीपर, याद रखना क्या है क्रीपर। क्रीपर को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि पहला जो कंप्यूटर वायरस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्रीपर। भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी, ठीक। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 50 मिनट में, तो ये पूरा 100 क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर कर देगा। भारत में अगर निर्मित पूछा जाए, भारत में वंदे मातरम, ठीक, क्या बोलोगे, वंदे मातरम एग्जाम में पूछा गया है, और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, हमारे PDF में मिल जाएगा, बुक में नहीं मिलेगा ये सब, ये बुक में नहीं दिया है, ठीक। चलिए देखते हैं कंप्यूटर वायरस से क्वेश्चन, सभी लोग तैयार हो जाइएगा, मैं फटाफट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं। टेंट माइक्रो, टेंट माइक्रो क्या है, एंटीवायरस, अभी आपको बताया था टेंट माइक्रो क्या है, पूरा आप पढ़े ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप पूरा पढ़ पाए होंगे, ये देखिएगा यहाँ पर पूरा पढ़ पाए होंगे, ये पूरा पूरा व्यापक में अभी आपको बताया था, ये देखिए टेंट माइक्रो यहाँ पर आपको मिल भी गया होगा, ये वाला टॉपिक टेंट माइक्रो व्यापम शिक्षक भर्ती 18-19 और 2022 में पूछा गया है, वही क्वेश्चन आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक। टेंड माइक्रो क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, ठीक, फटाफट लाइक कीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं कि उन वायरस का क्या नाम है, ऐसा कौन सा वायरस उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करता है, मूर्ख बनाने का काम करता है, याद रखना इस टॉपिक को, याद रखना, जो होने का दिखावा करता है और मूर्ख बनाता है, डाउनलोड होने का दिखावा करेगा, यूजफुल करेगा, उसको क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नहीं है ना,
याद रखना, ट्रोजन हॉर्स का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ये यूजफुल होने का दिखावा करेगा। ऐसा वायरस है ना, वायरस क्या है, उन वायरस का क्या नाम है जो यूजफुल होने का दिखावा करता है, तो ट्रोजन हॉर्स। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फैलाने वाले वायरस को क्या कहते हैं? जब एप्लीकेशन, देखिए पूरे एंटीवायरस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको पूरा कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलाने वाले जो वायरस हैं उनको मैको वायरस कहा जाता है। लीहार्ट वायरस कैसे अस्तित्व में आया? तो एक्टेंशन में आता है, जब लीहार्ट जो वायरस होता है ना, command.com करते हैं तभी आता है। ठीक, कंप्यूटर में फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं? एक प्रोग्राम है जो उसको बताया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर, देखिए अब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, इंसान है, उनको गलत बताकर, अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार प्रयास किए जाते हैं? इसका आंसर कौन सा होगा? बी, फिशिंग स्कैम कहा जाता है। जब देखिए व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान को क्या करेगा, गलत बता देगा, व्यक्ति अपने द्वारा पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करता है, उसको फिशिंग स्कैम कहते हैं। और टाइम बम कब होता है? तो किसी विशेष डेटा या समय के दौरान, इसको याद रखना, किसी विशेष डेटा या समय के दौरान। ये क्लासेस आपको मिल जाएगी जी, है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन, उनके लिए कंप्लीट हो सके। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ्स का आपको 25 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दोनों में अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक, हॉस्टल वार्डन की डेली हमारे क्लास में मिलेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो मिल जाएगा। तो पहला, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो मिल सके। और ये जो वीडियो है, अगर वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर लिखेंगे, सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए। कुछ वायरस के डीलेड और पेलेड को बम कहा जाता है, ऐसा कोई वायरस है जो डीलेड और पेलेड को बम कहा जाता है। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? तो जो पहला बूट सेक्टर वायरस था आपका ब्रेन था, ब्रेन, ब्रेन का मतलब ये नहीं, मतलब ऐसा वायरस, वायरस का नाम है बूट सेक्टर वायरस, तो उसको क्या कह सकते हैं? ब्रेन। ठीक, ब्रेन बोल सकते हैं। ओके फाइन, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे मैथ्स का, छत्तीसगढ़ की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आप पूरा मतलब जितने भी कोई भी एग्जाम दिलाओ वो कवर हो जाएगा आपका, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? अभी आपको बताया था पहला ने फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम, रिपर, रिपर धरेम क्रीपर, ये देखो पहला कंप्यूटर वायरस पूछा गया था ना, कि प्रथम कंप्यूटर वायरस, प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या है? क्रीपर। ठीक, क्रीपर याद रखना, पहला जब को पूरा एंटीवायरस क्वेश्चन कराया हूँ। एक वायरस जो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग का प्रोग्राम होता है, जब भी आप सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ मतलब खुद का, जैसे फोटो खींचते हैं ना सेल्फी, उसी प्रकार सेल्फ खुद का, स्वयं का, है ना, ये स्वयं खुद की प्रतिलिपि बनाए, उसको क्या कहते हैं? वर्म कहा जाता है। इसको याद रखना, एक ऐसा वायरस है जो एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम के बीच अंतर जो वायरस की तरह होता है, केवल प्रणाली खुद ही स्वयं के लिए। इसको याद रखना, कहीं भी अगर आप देख, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आप देखोगे सेल्फ रिफ्लेक्टिंग लिखा होगा, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग लिखा होगा, या खुद की प्रतियां लिखा होगा, खुद की प्रतियां कहीं भी अगर देख लो, ये टॉपिक कहीं भी पढ़ लो, खुद की प्रतियां, स्वयं की प्रतियां, स्वयं की प्रतियां, है ना, तो डायरेक्ट आप क्या लगाओगे? वर्म, आंख बंद करके वर्म डाल दो। ठीक, कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ लेते हो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, या खुद की प्रतियां या सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, तो आप डायरेक्ट वर्म लगाइए। एंटीवायरस क्या होता है? तो एंटीवायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, याद रखना, एंटीवायरस क्या है? एक प्रोग्राम है। ठीक, याद रखना, प्रोग्राम है, या प्रोग्राम कोड भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम कोड है। ठीक है, क्या है? प्रोग्राम कोड है एंटीवायरस। ठीक,
एक कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है। ओके, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बताया था ट्रोजन हॉर्स ये वायरस नहीं है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके बता देंगे। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? तो ट्रोजन हॉर्स, ठीक, वायरस नहीं है। आपको पहले ही बताया था ये मूर्ख बनाने का काम करता है, डाउनलोड होने का दिखावा करता है। जैसे अगर आप कोई गूगल में जाओगे, क्रोम में जाओगे, तो जैसे सॉन्ग डाउनलोड करोगे या फिर रिंगटोन या इमेज वगैरह जो भी डाउनलोड करते हो, और डाउनलोड नहीं होता, वो दिखावा करेगा, मतलब कि ये डाउनलोड हो रहा है कर, लेकिन डाउनलोड नहीं होता। ये आपका ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि वायरस नहीं है ना, वायरस नहीं है। एंटीवायरस, देखिए निम्न में कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है पूछा गया है, क्या है ट्रोजन हॉर्स? एक एंटीवायरस है, वायरस नहीं है, क्योंकि बूट सेक्टर क्या है? वायरस है, वायरस विषाणु जनित। मल्टीपर्पज लाइट एक वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है, क्या पूछा गया? नहीं है। याद कैसे करोगे? वायरस है, वायरस नहीं है, अभी आपको बताया कि एंटीवायरस। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि वायरस नहीं है पूछा गया। वायरस कौन कौन सा आएगा? बूट सेक्टर, मल्टीपर लाइट, पॉलीमॉर्फिक। 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का एक मालिक्यूल्स कोड, यानी कि स्वयं का। देखिए अब यहां पर देखिए, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वयं का पूछ दिया, स्वयं का। अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके सेल्फ रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं, कॉपी भी कर रहा है। देखिए कंप्यूटर का ऐसा कौन सा मॉलिक्यूलर कोड है? कोड पूछा गया है, कोड, ना कि यहाँ पर कुछ स्वयं की प्रतियां। अगर प्रतियां लिखा होता, देखिए मैं उसको बताया था स्वयं की प्रतियां, अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन होंगे, मैं इसलिए आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर स्वयं की प्रतियां लिखा होगा तो आप लगाएंगे वर्ब, जबकि स्वयं की प्रतियां नहीं लिखा है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग नहीं लिखा है, सिर्फ रिप्लाइकेट लिखा है, कॉपी करने के लिखा है प्रोग्राम को। तो वायरस ही है जो कंप्यूटर को क्या करता है, वायरस करता है, कॉपी करता है, मॉलिक्यूलर कोड है। इसका आंसर बी होगा। बहुत लोग आंसर डायरेक्ट देखे नहीं है और वर्म लगा रहे हैं, तो नहीं होगा। क्या लिखा है? स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करने के प्रति। और मैं आपको क्या बताया, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर ये देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम, खुद की प्रतियां, रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम, ये आपको बताया। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करने के लिए पूछा गया। जब कॉपी करेगा तो कॉपी करेगा तो क्या होगा? वायरस आएगा, है ना? ठीक, उनमें से कौन सा वायरस फैलाने के आदर्श तरीका नहीं है? तो आदर्श तरीका नहीं है, ऑफिशियल एंटीवायरस जो है वायरस थोड़ी फैलाएगा, जबकि संक्रमित वेबसाइट, इन्फेक्टेड वेबसाइट, ईमेल, यूएसबी, ये सभी वायरस फैलाने का तरीका है, जबकि इसमें नहीं है पूछा गया। तो क्या हो, एंटीवायरस पूछ दिया, मतलब एंटीवायरस पूछ दिया, मतलब समझ रहे हो वायरस नहीं है। एप्पल वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1981, यानी कि 1981 में जो है एप्पल का वायरस आया था। चलिए देखेंगे 1981 के मध्य नाम में एप्पल कंप्यूटर के पहला वायरस अस्तित्व कब आया था? एप्पल सेकेंड नाम। ठीक, वायरस विभिन्न तरीकों से पता लगाने के लिए, यानी कि डिटेक्ट, खुद से छुपाता है, खुद से कितने प्रकार से छुपाता है? चार प्रकार से छुपाएगा। ठीक, आपके कंप्यूटर की तरह हार्ड डिस्क में वायरस को लाने के सबसे आम तरीका क्या है? ईमेल खोलने का। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, चलिए 20 क्वेश्चन आज किए, 20 क्वेश्चन कल करेंगे। इंस्टॉल हो जाता है डायरेक्ट, आपके कंप्यूटर के मेमोरी में छिप जाता है, उन विशिष्ट प्रकार का फाइलों में शामिल होता है जो संक्रमित इफेक्ट करता है, कौन सा है? बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टाइटिस, से डायरेक्ट एंटर वायरस। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा इसका आंसर क्या होगा। तो हमने आज कितने क्वेश्चन किए? 20 क्वेश्चन, और पहले का एंटीवायरस क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। बाकी का कल हम करेंगे पूरा, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी का। ठीक, तो पार्ट 2 वीडियो के लिए बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो थैंक यू, आप वीडियो का इंतजार कीजिएगा पार्ट 2 का।